गाइस, मंथ ऑफ फेब्रुअरी के लिए मैंने डाउजिंग के दो ही ऑप्शंस दिया था. एक थे के डाउजिंग के ऑप्शंस में एक थे ग्रीन कलर के हार्ट, एक थे रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, लैब्राडोराइट के हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज के हार्ट. तो पहले लैब्राडोराइट के हार्ट से चेक करेंगे कि आपके डाउजिंग में कैसे आ रही है करियर, लव लाइफ, सब कुछ कैसे आ रही है. तो पहला मैं चेक कर रही हूँ जिन लोगों ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके डाउजिंग ऑप्शन से देखते हैं कि क्या आ रही है. पहले मैं बता देती हूँ ये जो डाउजर है इसे चार्ज करना होती है. अगर ये प्रॉपर चार्ज नहीं करते और आपने मार्केट से लेके आए और ऐसे घूम रहे हैं तो ये हवा में घूम रही है, ये करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं. तो अगर आप किसी के पास डाउजिंग कराने के लिए भी जाते हो तो उनको पूछिए कि उन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल डाउजिंग के कोर्स करके रखा है कि नहीं. 6 मंथ्स के मिनिमम डाउजिंग के कोर्स होती है, अगर उन्होंने करके रखा होगा तब भी जाके उनसे रीडिंग लीजिए. आप आगे में चलते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने लैब्राडोराइट के हार्ट चॉइस किया था उनकी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनमें कैसे होगा, क्या होगा फेब्रुअरी में. देखो मैं ये पॉइंट पकड़ के रखी हुई हूँ और अपने बेस को मैंने बहुत ज्यादा स्टेबल करके रखी हूँ. तो हाथ ऐसे नहीं घूमेंगे, ये स्पिरिट द्वारा घूमेंगे. स्पिरिट हम बताइए कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या रहेगी जिन्होंने ग्रीन हार्ट चॉइस किया था. कुछ खास नहीं है, हो सकते हैं कि फेब्रुअरी 7th या 8th के बाद आपके साथ उनके कोई कांटेक्ट हो. कांटेक्ट होने की चांसेस है लेकिन शायद उतना कुछ खास उसके रिजल्ट कुछ खास नहीं निकलेंगे. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल और मई एक ऐसे टाइम रहेगी जब आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन कंप्लीट होके पूरा खत्म होके आप लोगों का एक्चुअली रीयूनियन होने वाले हैं. नेम आपके रहेगी QRMLGCKJ, ऐसे कुछ हो सकते हैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम. तो मंथ ऑफ फेब्रुअरी में सिर्फ आपसे बातचीत हो सकते हैं, बात हो जाएगी लेकिन मुझे अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो लेकिन मुझे कुछ रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं. पेंडुलम प्लीज बताइए करियर में क्या होगा मंथ ऑफ फेब्रुअरी में जिनको न्यू जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में न्यू जॉब चाहिए. कुछ खास नहीं है, शायद जो भी इंटरव्यू जाओ तो ना ही हो जाए आपके लिए. पेंडुलम प्लीज बताइए जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो उसके रिजल्ट कैसे रहेगी. अगर आप गवर्नमेंट कोई भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और उसके कोई इंटरव्यू वगैरह है या कोई जॉब की कुछ है तो उसमें हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में आपके चांसेस काफी अच्छा लग रही है. पेंडुलम प्लीज बताइए जो बाहर के वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए कैसे रहेगी, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं. कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खास हो सकते हैं. पॉसिबिलिटीज है लेकिन शायद आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा सबमिट कराया जाएगा, दोबारा चेक करा जाएगा, इस तरीका से आ रही है. पेंडुलम प्लीज बताइए जो लोग सिंगल है क्या उनको न्यू पार्टनर मिलेगी मंथ ऑफ फेब्रुअरी. जी हाँ, जो लोग सिंगल है आपके ये जनवरी फरवरी मार्च का ही टाइम है जिस टाइम में आपको एक न्यू पार्टनर मिलेंगे जिनके साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा चलेंगे. एक बार हेल्थ का भी देख लेंगे कि हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगी कि नहीं. पेंडुलम प्लीज बताइए कि जिन्होंने हेल्थ कैसे रहेगी जिन्होंने लैब्राडोराइट के हार्ट चॉइस किया है. हेल्थ आपके ठीक रहेगा, आपके हेल्थ में इश्यूज शायद दिसंबर में आए थे, जनवरी तक वो खत्म हो गया है, फ़रवरी में कुछ इश्यूज नहीं है. क्या कैसे रहेगी स्पिरिचुअल ग्रोथ के मैटर में. स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका नहीं है मंथ ऑफ फ़रवरी.
अब आते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ड चॉइस किया था, उनके देखते हैं कि पेंडुलम क्या कहते हैं, या डाउजिंग के थ्रू देखते हैं कि रीडिंग कैसे आते हैं जिन्होंने। पहला नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हो तो कांटेक्ट होने की चांसेस है और रीयूनियन भी होने की चांसेस है। मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च ही आपके लिए दिखा रहे कि कांटेक्ट भी हो जाएगा, रीयूनियन भी हो जाएगी। 9th ऑफ फेब्रुअरी के बाद ये चीज हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके मंथ ऑफ फेब्रुअरी है तो वो क्लियर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरीका के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे कोई बाहर के कोई जगह पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह में एग्जाम हो, एग्जाम आपके क्लियर होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रोमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या किसी भी तरीका के न्यू जॉब के लिए कोशिश करोगे तो मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल को कोई भी रिलेशनशिप में एटलीस्ट अप्रैल तक रिलेशनशिप नहीं मिलेगी एकदम बिल्कुल। जो लोग सिंगल हो, कोई नहीं है रिलेशनशिप में, तो कोई भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हो तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं मंथ ऑफ फेब्रुअरी में, कोई भी हेल्थ इश्यूज आपके रहेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के मैटर में मुझे दिख रहे हैं यस यस एंड यस, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में एक्टिव हो जाओगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो यही रहा आपके मंथ ऑफ फेब्रुअरी के ओवरऑल रीडिंग। तो आगे में आप लोग प्लीज मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट कीजिए। और गाइस मेरे दो ही चैनल है, ठीक है, एक है 888 फ्यूचर रीडिंग, एक है 888 टैरो कार्ड रीडिंग। जो 888 ट्विन सोल पाथ था वो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि उसमें हमेशा यूट्यूब से कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते थे, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए बंद कर दिया। तो मेरी दो ही चैनल है, ये दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।